मर्सिडीज बेंज ने अपनी मिनी लग्जूरियस प्रीमियम कैरावैन वी क्लास का फेसलिफ्ट ग्लोबली अनवील कर दिया है। दिस मॉडल इज सपोज टू बी द 2024 वर्जन। ये न्यू मॉडल फीचर करती है एक ऑल न्यू फ्रंट एंड विद अपराइट मर्सिडीज बेंज स्टार, रिवाइज्ड हेडलाइट एंड टेल लैंप सेटअप एंड अ स्पेशल MBUX इंफोटेनमेंट यूनिट। वी क्लास फेसलिफ्ट की स्पेशलिटी है उसके 4 डिफरेंट अल्ट्रा लग्जरी पैक्स, जो है एग्जीक्यूटिव क्लास। इसे वी क्लास का मोस्ट लग्जूरियस वेरिएंट भी कहा जाता है, विच फीचर्स रिक्लाइनिंग सीट्स विद अ मसाज फंक्शन एंड अ रेफ्रिजरेटर। फिर आता है मार्को पोलो। इस वेरिएंट के साथ किचनेट वाला एक कैबिन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा एक कैंपर वैन वेरिएंट भी वी क्लास फेसलिफ्ट को दिया गया है बाय नेम ऑफ मार्को पोलो होराइजन, जिसके हाइलाइट्स एक बड़ी सनरूफ और एक फोल्ड आउट टेबल है। वी क्लास एक फुली इलेक्ट्रिक अवतार में भी आती है, जिसका नाम है EQV, जो 250 माइल्स की रेंज जनरेट करती है। वी क्लास ICE पावर ट्रेन दो ऑप्शंस के साथ आती है। पहला एक 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर डीजल, जो प्रोड्यूस करेगा 160 हॉर्स पावर और 357 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और दूसरा एक 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 डीजल इंजन, जो 237 हॉर्स पावर और 599 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट किया करेगा। EV पावर ट्रेन को एक 100 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर पावर देगा, विच वुड जनरेट 136 हॉर्स पावर एंड 349 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पहले वी क्लास फेसलिफ्ट को ग्लोबली कंपनी लॉन्च करेगी और फिर इंडिया आने के इसके चांसेस बन पाएंगे। एस वी क्लास इज ऑलरेडी सोल्ड इन इंडिया अराउंड 1 करोड़ विद इट्स टॉप स्पेक वेरिएंट ऑन रोड मुंबई। तो करंट जनरेशन को एक फेसलिफ्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है, पर कब तक? इन कमिंग 2024 और बाय अर्ली 2025, वी डोंट नो येट। वी क्लास इंडिया में सीधा राइवल करती है टोयोटा की वेलफायर मिनी लग्जूरियस कैरावैन को, और वेलफायर के फेसलिफ्ट को भी ग्लोबली रिवील कर दिया गया है, विच इज अगेन एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया अराउंड फेस्टिव सीजन ऑफ लेट 2024। एंड मोस्टली उसके सेल्स फिगर को देखते हुए ही मर्सिडीज वी क्लास को अपडेट करने पर डिसीजन लेगी। क्या आप मर्सिडीज बेंज वी क्लास फेसलिफ्ट का लॉन्च यहाँ देखना चाहेंगे? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन to never miss any of our crazy updates.